मलाई से घी तो सभी बनाते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मलाई से घी बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैं बड़े बर्तन में जितनी भी मलाई मैंने रख रखी थी फ्रिज में उनको बाहर निकाल लूँगी बर्तन में, और इस मलाई को मैंने 15-20 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। अब सारी मलाई को इकट्ठा करके मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी चम्मच से, और हमें इसे अच्छी तरह से फेंटते जाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मलाई अच्छे से मिक्स होने के बाद हम डाल देंगे इसमें ठंडा पानी। अब हमें इसे ब्लेंडर से अच्छे से फेंटना है, लगातार गोल गोल घुमाते जाएंगे और हमारी मलाई अच्छे से अभी तैयार हो जाएगी। इसमें दूध अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और मलाई को अच्छे से फेंटते जाना है। ये देखिए दूध अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे एक बार फिर से घुमा लेती हूँ और लीजिए ये तैयार है हमारा मक्खन। और ये जो मक्खन से दूध अलग होता है, इस मक्खन दूध को हम कुछ भी काम में ले सकते हैं, जैसे इसका पनीर बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, और इसे आटे में गूंथ कर इसकी बाटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस ब्लेंडर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसमें जो लग गया है मक्खन। अब मैं मक्खन का एक गोला बना लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी अच्छे से। मक्खन को हमें अच्छे से इकट्ठा करना है ताकि दूध में कोई बिल्कुल भी मक्खन ना रहे। अब दूध को अलग निकाल लेंगे एक बर्तन में। अच्छे से मक्खन से दूध को निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा मक्खन बड़ा शानदार रुई जैसा मक्खन तैयार हो गया है। अब हमें इसे गैस पर चढ़ा देना है भगोनी को, मक्खन वाली भगोनी को। इसी भगोनी में हम मक्खन को अच्छे से पिघला लेंगे और मक्खन को हमें लगातार चलाते जाना है, वरना क्या होता है ये नीचे तो चिपकता ही यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सारा जो मक्खन से मावा बनता है वो ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें इसे लगातार चलाते जाना है चम्मच से, जिससे क्या होगा कि ये तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जा रही है जैसे जैसे हम मक्खन को गर्म करते जा रहे हैं, और ये देखिए मक्खन से ये घी अलग होने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि घी अच्छे से ऊपर आ जाएगा और ये जो इसका मावा है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखें तो हम धीरे से इसे छान लेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो ये देखिए हमारा घी बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसे एक डिब्बे में छान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि आधे घी को हम दूसरे डिब्बे में छानेंगे, जिससे क्या होगा कि इसे मैं डेली में यूज़ करती हूँ, इस वाले घी को उस डिब्बे में मैंने छान लिया है। और ये देखिए हमारा मावा भी निकल गया है, इस मावे से चाहे तो हम मिठाई बना सकते हैं, शक्कर मिला के खा सकते हैं और बाटी भी बना सकते हैं आटे में मिला के। तो कैसी लगी आपको मेरी ये घी बनाने वाली रेसिपी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।